तो दोस्तों Realme ने कुछ दिनों पहले अपना Realme X इंडिया में लॉन्च कर दिया था, जो कि काफी अच्छे फीचर्स एंड प्राइस के साथ आता है। इसे देखते हुए Oppo ने भी अपना Oppo K3 इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि वो भी काफी अच्छी फीचर्स एंड प्राइस के साथ आता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा दोस्तों, Realme Oppo का हिस्सा ब्रांड कंपनी है, इसलिए इसके जो फीचर्स है सेम मिलते जो 99% इसके फीचर्स पूरे के पूरे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में Oppo K3 एंड Realme X के बारे में जानेंगे कि आप लोगों के लिए इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिटी। तो दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बात की जाए Realme X और Oppo K3 के बारे में, तो Realme X में आपको 6.53 इंच का फुल सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और वही सेम डिस्प्ले आपको Oppo K3 में मिलता है, बट उसकी स्क्रीन साइज थोड़ी छोटी है। उसका स्क्रीन साइज है 6.5, बट ये भी सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले है। इन दोनों में आपको पता है क्या इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सेम डिस्प्ले दे दिया है, लेकिन एक बात का अंतर है, बताओ कौन सी? मैं बताऊं कि वो Realme है और ये Oppo है। और Realme X में आपको Snapdragon का 710% आता है, जो कि 10 AM का होता है। एंड सेम टू सेम Oppo K3 में भी आपको सेम प्रोसेसर Snapdragon का 710 प्रोसेसर मिलता है, जो कि वो भी 10 AM का होता है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि बाकी भी आप कुछ बताओगे, जो भी स्पेसिफिकेशन बताओगे वो भी सेम होने वाले हैं। नहीं दोस्तों, मैंने कहा था 99% सेम होंगे, बट कुछ अलग होंगे, तो चलो आगे बात करते हैं उसके बारे में। और दोस्तों, कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको रियर में दो कैमरे सेटअप देखने को मिलते हैं, जो कि एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का और दूसरा 5 मेगापिक्सल का होने वाला है। जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है उसका अपर्चर 1.7 है, एंड जो 5 मेगापिक्सल वाला है उसका अपर्चर 2.2 है। लेकिन Oppo K3 में आपको कैमरा इतना हाई एंड क्वालिटी का नहीं मिलने वाला है, उसमें आपको रियर में जो कैमरे देखने को मिलेंगे वो आपको 16+2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेंगे। 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ना दोस्तों, वो 2.2 अपर्चर के साथ आता है, एंड जो 2 मेगापिक्सल का है वो भी शायद मेरे ख्याल से 2.2 अपर्चर के साथ आता होगा। और बात की जाए दोस्तों इसके पावर हाउस के बारे में, तो Realme X में आपको 3765 mAh की बैटरी मिलती है, और आप बताओ Oppo K3 कितने की मिलेगी? सेम 3765 mAh की बैटरी मिलती है आपको Oppo K3 में भी। लेकिन दोस्तों देखा जाए ना, Realme X में Oppo K3 के मुकाबले काफी बेहतर फोटो आती है, लेकिन दोनों का प्राइस सेम रखा गया, मुझे ये समझ नहीं आया। और हाँ, साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, एंड इसमें आपको दोनों मोबाइलों में आपको इंटरनल कार्ड होता है SD कार्ड, उसको आप नहीं ला सकते, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको नैनो सिम इंसर्ट करनी होगी। और स्टोरेज की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आप SD कार्ड तो डाल ही नहीं सकते। और स्टोरेज के बारे में बता दूं, इसमें आपको Oppo K3 में दो वेरियंट मिलते हैं, एक 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। बट Realme X में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। मेरे ख्याल से 128GB यार बहुत होता है, 256GB का आप क्या करोगे। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो इन दोनों मोबाइल में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि अपर्चर उसका 2.0 सेम ही है, सेम अपर्चर, सेम डिजाइन एंड सेम मेगापिक्सल। लेकिन प्राइस बराबर क्यों? मेरे ख्याल से Oppo K3 की ना थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए, जैसे कि Realme X 16,999 समथिंग 18,000 रुपए 17,000 मान लो, बट इसकी 15,000 रुपए 14,500 रुपए के आसपास प्राइस होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और दोनों ही मोबाइल में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफी फास्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से Realme X से ज्यादा फास्ट मैंने सुना था, आधा पढ़ा है मैंने, आई थिंक मैंने यूज तो नहीं किया है, Realme X से ज्यादा फास्ट है। लेकिन Realme X की अनबॉक्सिंग जल्दी मेरे चैनल पे आपको दिखाई देगी एक हफ्ते के अंदर। और हाँ दोनों मोबाइल में आपको 20W का चार्जर मिलने वाला है, जो कि आपको मोबाइल को 30 मिनट में ही चार्ज कर देगा, जो कि बुक 3.0 पर आधारित है। यह मोबाइल इतनी जल्दी चार्ज हो जाता है, दोनों मोबाइल मेरे ख्याल से इतनी जल्दी चार्ज हो जाते हैं बुक 3.0 से, कि मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों, ऐसी टेक्निकल एंड गैजेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।